कई बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ग्रेट, सिक्स या सर थर्ड वाला? सोच के दीजिएगा भाई साहब, सोच के दीजिएगा आंसर। नन नन आ रहा, नन सर। अच्छा ठीक है, नन का मतलब देखो, एक लास्ट स्टेप अगर आप याद रखो जो आपको पढ़ाया गया है, ये आ गया आपके पास आर, ये आपके पास आ गया बेटा, आपके पास ये आ गया आर वन, ये आ गया आर टू, लेकिन इससे मतलब ही नहीं है। वॉल्यूम वी से हो जाता है एट वी, प्रेशर पी वन होता है पी नॉट, और प्लस एच रो जी, रो डब्ल्यू कर लेते हैं पानी के लिए, और यहां प्रेशर पी नॉट होता है। तो हम लोगों ने लास्ट स्टेप पे जाते हैं तो पी वन वी वन, वेरी नाइस बेटा, एंड पी टू वी टू, और पी टू वी टू करेंगे तो पी वन की वैल्यू हो जाती है पी नॉट और एच रो डब्ल्यू जी, एंड बेटा ये आ जाता है आपका वी वन, वी वन की वैल्यू वी है, और पी टू की वैल्यू हो जाती है बेटा पी नॉट, और ये आ जाता है आपके पास बेटा कितना आ जाता है बताइए, वी टू की वैल्यू एट वी नो। अब आप देखिए ये स्टेप अगर आपने याद रखा तो मजा आ जाएगी, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया, और एट माइनस वन मैंने हमेशा सिखाया है, मैंने हमेशा एट माइनस वन सिखाया है, और मैंने आपसे कहा कि यहां पे पी नॉट रख दो। अब पी नॉट की वैल्यू कई जगह तो आपको दे दी जाती है, लेकिन यहां पे उन्होंने थोड़ा इंटेलिजेंट होके दे दी है, मिल गए थे, पूछ रहे हैं आप, पूछ लीजिए एक बार, पूछ ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लीजिए एक बार, एट माइनस वन और ये आ जाएगा आपके पास पी नॉट, और पी नॉट हो जाएगा कैपिटल एच रो वाटर और जी आ जाएगा जी जी, ये आ गया आपके पास जी। हाँ भैया मिल गया, हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक, मिल गया भैया, बच्चों यहां पे एक लास्ट स्टेप आपका आ रहा है, कैपिटल स्मॉल एच निकालना है, और ये एट माइनस वन हमेशा हम बनाए रखेंगे, इसको हम जिंदा रखेंगे, ठीक है, और एच रहेगा और डब्ल्यू रहेगा, और बेटा रो डेंसिटी वाटर की रहेगी, जी रहेगा, और बार बार आप नीचे डिवाइड करोगे तो बेटा ये देखो स्टेप, ये स्टेप अगर आप भूले नहीं तो मामला बन जाएगा। इस स्टेप पे पता है क्या किया गया है, ये वाटर की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, क्योंकि हम लोगों ने एटमोस्फेरिक प्रेशर को वाटर की हाइट के इक्वल लिया है, दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन, और अभी सबसे पहले आंसर भी दिया था आप लोगों ने, और बेटा जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका आया है, 7H आंसर आया है, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो फिर अब आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है, वेरी गुड, है ना। अच्छा बेटा हम आगे बढ़ जाते, और बेटा एक बात समझ लीजिए सारे बच्चे, कि अब हम लोग आते हैं अपने चार्ल्स लॉ पे, तो चार्ल्स लॉ में कहा जाता है कि गिवन मास ऑफ गैस के लिए, आपके सामने लिखा है गिवन मास ऑफ गैस के लिए टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो हमारा 0 डिग्री के वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ये वॉल्यूम 0 डिग्री पे है, और हाँ जी बेटा स्नेहा, नो सर गलती से माइक, अच्छा ये वॉल्यूम 0 डिग्री पे है और ये वॉल्यूम हमारा बेटा है 0 डिग्री पर वॉल्यूम है, लेकिन हमारा 1/273 टाइम्स ऑफ वी जीरो, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 1 इसलिए हो रहा है क्योंकि पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर बोला, इसीलिए हम अगर वॉल्यूम 2 डिग्री पे निकालेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, अगर 3 डिग्री पे निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, मेरा कहना यह है कि अगर टी डिग्री पे निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय टी हो जाएगा, और इस इक्वेशन का यूज हमेशा हम लोग करते हैं, और इस वाले को हम लोग मान लेते हैं मान लो बीटा, तो कभी कभार आपको चार्ल्स लॉ ऐसे भी दे सकता है वी जीरो बेटा ये आ जाता है 1 प्लस बीटा और टी आ जाता है, राइट, बीटा की वैल्यू होती है 1/273 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको फटाफट हम आपको रिकैप कर देते हैं, ग्राफ के क्वेश्चन करा देते हैं, और फिर हम आपको अभी तुरंत पीडीएफ देते हैं ग्राफ का, ठीक है, आज का काम काफी करना है बेटा। यहाँ पे स्पीड अगर तेज हो जाए बता दीजिएगा, ठीक चलेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, और
हम लोग यहाँ पे अगर वी नॉट कॉमन ले लेते हैं तो टी अपॉन आ जाएगा, और टी को हम लोग बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके टी प्लस 273, और इसको कर लेते हैं केल्विन में, और केल्विन में हमारे पास फाइनली लॉ आ जाता है ये वाला। तो ज्यादातर बच्चे यही जानते हैं कि हमारा चार्ल्स लॉ ये होता है, लेकिन ये वाला नियम कब काम आएगा? ये नियम आपका यहाँ पे काम आता है, जैसे आपने मान लीजिएगा आपने कहा कि हमें ग्राफ बनाना है, तो जब आपको ग्राफ बनाना है तो एक ग्राफ आपका बनेगा बेटा जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T है, यहां से तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए V1 upon V2 T1 upon T2। अब अगर ग्राफ बनाना है तो V इज इक्वल टू के टी प्लस जीरो, तो हमारा वाई एक्सिस पे आ जाएगा वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा टेम्परेचर, और हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास V, और ये आ जाएगा हमारे पास T, और अल्टीमेटली हमने फटाफट फटाफट इसको सॉल्व किया और सीधे स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन आ गया। कोई ऐसी बात नहीं इसमें समझने वाली। अच्छा अब हम एक बात करते हैं कि हम अगर टेम्परेचर को और वॉल्यूम को इंटरचेंज कर लें, तो टेम्परेचर वॉल्यूम को जब इंटरचेंज करेंगे तो इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 1/k आ जाएगा, और फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन है। अनिकेत बेटा आप अटेंडेंस लेके बेटा हमको वो कर देना, ठीक है? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, भेज दे, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और कोई बच्चा मिस नहीं करेगा क्लास को। जितनी जैसा कि आपकी बेटा कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो हमें तो लगता है कि अब सारे बच्चे जो है ना, हो सकता है कि सरकार जो है कोई कदम उठाए। सर तो, वेस्ट बंगाल में हो चुका है सर। हाँ, कई जगह बेटा इस तरीके का है। आपके यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बंद कर दिया क्या? नहीं सर, मैं तो यूपी का हूँ, न्यूज़ देखा था सर। वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन चालू हो गया सर। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल से। नहीं, वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वेस्ट बंगाल मतलब लॉकडाउन शुरू हो गया रात का? नहीं सर, 3 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया टोटली सर। रात का कि दिन का? दिन का भी तो बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं पिछले साल की तरह। पिछले साल तो हम लोग का वैसे भी आता था मार्च अप्रैल में आता था, और इस बार जो है, खैर बहुत लंबा सफर नहीं रहेगा इसका, और बहुत डेडली नहीं है। वैक्सीन 18 साल के नीचे वालों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया सर। हाँ, और बहुत डेडली नहीं है एक्चुअली, है ना? तो जब ये बहुत डेडली नहीं है तो फिर ये जहाँ साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, तो ये वहीं खत्म भी हो गया तुरंत। ये सर एक और वेरिएंट निकला IHU फ्रांस में। अरे तो तुम चुप रहो। ये सर नया वेरिएंट आया है। अरे फिर रहे तो चलो पढ़ाई करते। आओ बेटा यहाँ पे आते हैं, टेम्परेचर वाला आराम से कर लेंगे, और फिर इसके बाद बेटा ना एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि देखिएगा, एक V अपॉन T का ग्राफ बनाना है हम लोगों को, V अपॉन T, और हमें पता है V अपॉन T कांस्टेंट होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ V और T होता है, तो V और T पे डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्टली हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सपोज एक काम करिएगा कि एक ऐसा ग्राफ बनाइएगा जो ग्राफ हमारा एक ऐसा ग्राफ बनाइएगा ये देखिएगा, मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, और ये ग्राफ आपका होगा किसमें होगा बेटा, वी टी इक्वल टू वी जीरो वन प्लस, और आपको ये बात पहले बताई जा चुकी है बॉयस लॉ में, मतलब चार्ल्स लॉ में, वी जीरो प्लस वी जीरो डिवाइडेड बाई 273 और ये टी। मतलब मैंने वो वाला केस क्यों बताया है, इसका रीजन देखिएगा, इसको फाइनली ऐसे लिखेंगे हम लोग V0 डिवाइडेड बाई 273 और ये आ जाएगा हमारा T, और प्लस बेटा आ जाएगा V0, और इसको ले लेंगे Y एक्सिस पर, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा C। अल्टीमेटली एक बात तो क्लियर हो गई कि Y इंटरसेप्ट आ रहा है पॉजिटिव, एंड बेटा हमारे पास Y एक्सिस पे X एक्सिस पे जाएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर वो भी डिग्री सेल्सियस में जाएगा, और y एक्सिस पे जाएगा आपका वॉल्यूम, और बेटा m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास v नॉट बाई 273
अल्टीमेटली ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है। अब कहने का मतलब एक चीज, हमारा यहाँ पे ग्राफ बहुत अच्छे से हम बना सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इसमें कोई गलती करेगा। ये वाला जो ग्राफ होगा हमारा, यहाँ पे ले लिया जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे ले लिया जाएगा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, और अगर ऐसा कोई केस बनता है तो ग्राफ हमारा इस तरीके का आएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये वाला वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो आपका ये पॉजिटिव होता है। अल्टीमेटली एक बात क्लियर हो गई कि ओरिजिन से ये पास नहीं करेगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर लेते हैं तो ओरिजिन से बना लेते हैं, ये गलत हो जाता है बेटा। अब हम लोग आते हैं फाइनली बेटा इस ग्राफ को करने के बाद आते हैं गेलुसेक लॉ पे, और गेलुसेक लॉ क्या होता है बच्चों, ये वाला ग्राफ देख लिया अच्छे से आपने, और गेलुसेक लॉ क्या होता है बच्चों, आइए कहते हैं इसी तरीके का सिमिलर मैनर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ले लें हम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम टेम्परेचर एक डिग्री बढ़ाते हैं, वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते, तो वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपने इंक्रीज किया, तो वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब हो गया एक सीधी सीधी बात बेटा, कि आप प्रेशर को बिल्कुल उसी तरीके से इंक्रीज करेंगे 1/273 टाइम्स ऑफ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि हमारा प्रेशर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पे हो जाता है V0, और बेटा ये आ जाता है हमारे पास अल्टीमेटली 1/273 टाइम्स P0, और ये इंटू 1 डिग्री। तो मतलब P0 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री वाला है, और एवरी राइज इन टेम्परेचर पे हम इसको बढ़ाते हैं 1/273 टाइम्स, फाइनल वाला हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला ये वाला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टी डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको प्रेशर को बढ़ा इंक्रीज करते हैं। बेटा एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं, ये वाला पार्ट को बीटा मान सकते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास आ सकता है P0 = P0 आ जाता है, और 1+ आ जाता है बेटा, और ये आ जाता है बीटा। बीटा है ना, वहां पे बीटा लिया था तो यहाँ पे अल्फा लिया है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं अल्फा और टी हो जाता है। ऐसे भी कभी कभी वेरिएशन को पूछ सकता है आपसे। अच्छा, टी प्लस 273 केल्विन में आ जाएगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी आ जाएगा, और फिर पी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और पी अपॉन टी कॉन्स्टेंट लेकर P1/P2, T1/T2, ये हम लोग अपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये वाला ग्राफ हमारा चार्ल्स लॉ की तरह है, कैपिटल टी रहेगा, अगर टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, प्रेशर के साथ प्लॉट किया जाएगा, तो हमारा राइट आंसर बेटा ओरिजिन से पास करने वाला ग्राफ बनेगा। अगर हम लोग टी को और बेटा हम लोग पी को इंटरचेंज कर लेंगे, तब भी ग्राफ ओरिजिन से बनेगा, और स्लोप की वैल्यू 1/K हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग कि P/T का ग्राफ भी बिल्कुल उसी तरीके का बनाते हैं जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था। तो P/T का ग्राफ आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, तो हम चाहें ग्राफ कहीं से बनाएं, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा ये परपेंडिकुलर टू P/T एक्सिस आ जाएगा, राइट। ग्राहम्स लॉ क्या होता है बेटा, ग्राहम्स, अच्छा यहां पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं, कि यहां पे याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, तो फिर आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका सेल्सियस में अगर टेम्परेचर है, तो वंस अगेन आपका ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आपने अभी अभी बनाया है। तो बेटा ये आपका 90 डिग्री से कम हो जाएगा बच्चों, ये आपका 90 डिग्री से कम हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये देख रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक, और ओरिजिन से पास नहीं करेगा। आ जाइए जल्दी से आ जाइए बेटा, ग्राहम्स लॉ जो होता है इट इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन प्रोसेस, एंड डिफ्यूजन इज द फिजिकल फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। कहते हैं ना कि गैसेस जो होती हैं, आपके घर में कुछ भी खाना पक रहा है, ये क्या है, एक तरीके से डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। हमारे सेंट लगा के चले या सेंट की शीशी खुली रह गई है, तो ये डिफ्यूजन ही तो हो रहा है। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में फ्लो ऑफ द गैस या मटेरियल ऑफ या मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होता है उसको कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। सेम टेम्परेचर पे प्रेशर पे व्हेन टू गैसेस डिफ्यूज करती हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी आता है, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेटा कहते हैं हैवी द गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन स्मॉलर,
कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कम होगा, रेट कम होगा और ऑक्सीजन का रेट ज्यादा होगा। तो जो हमारी गैस हैवी होती है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट नहीं होता है, यानी स्लो रेट से होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे R1 अपॉन R2 और M2 अपॉन M1 अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बना लेंगे। बेटा हाँ, डॉल्टन्स लॉ पे आते हैं। तो डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर जो होता है ये कहता है कि हम अगर किसी भी चैम्बर में नॉन रिएक्टिंग गैसेस को फिल करें, तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपको पता कैसे चलेंगी? कुछ गैसेस ऐसी होती हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि H2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करेंगे 3:1 के अनुपात में, थ्राइस H2 प्लस N2, तो ये हमारा ट्वाइस NH3 बनाएगा, यानी कि ये अमोनिया के 2 मोल बना देगा। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि हमें अगर नॉन रिएक्टिंग बनानी है, इसका मतलब ये रिएक्टिंग है ना, तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको यहाँ पे लिखा है नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो हमको क्या कर देना है कि हमको करना यह है कि हाइड्रोजन के मोल कम कर देने। मतलब अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भरिए तो कीपिंग इन माइंड कि 3:1 का अनुपात ना रहे, तो तब ये मिलेंगी नहीं। और नॉन रिएक्टिंग गैसेस हमारी जो होती हैं वो टोटल प्रेशर जितना एग्जर्ट करती हैं, जितना टोटल प्रेशर एग्जर्ट करती हैं बेटा, ये टोटल प्रेशर जो होता है ये हमेशा आपका क्या होता है, इंडिविजुअल सम ऑफ प्रेशर के इक्वल होता है। और उस इंडिविजुअल प्रेशर को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इंडिविजुअल प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर। और जब आप पार्शियल प्रेशर निकालते हैं तो उसी चैम्बर में उतने ही वॉल्यूम में, उसी चैम्बर में अकेले पार्शियल प्रेशर, मतलब हम 38 स्टूडेंट्स आपके हैं, उनमें से एक एक बच्चे को पढ़ाएं और उतने ही चीजें पढ़ाएं, तो हमारे लिए वो पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इंडिविजुअली अगर हम गैस को उसी चैम्बर में फिल करते हैं तो ये वाला जो प्रेशर बनता है वो हमारा, तीन गैसेस ले ली है ए बी सी, और गैस ए का पार्शियल प्रेशर पी ए है, बी वाले का बी बी है और सी वाले का पी सी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पी बी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टोटल प्रेशर। और टोटल प्रेशर जो होता है वो हमेशा पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। आओ बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ का है। मैंने कहा कि विच ऑफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर, तो पक्का है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया है। इसलिए मान लीजिए मैं ये वाली लाइन हटा देता हूं, मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है, केवल ब्लू वाले ग्राफ दिए गए और टेम्परेचर T1 T2 दिया गया, मैंने तो इसको सॉल्व करने के लिए बनाया है। और सॉल्व करने के लिए मैंने एक काम ये किया है कि एक मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी है। देखिए बेटा हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, ये कंडीशन है, ये आपको दिया था। इसको सॉल्व करने के लिए बेटर होता है कि आप यहाँ पे एक लाइन बना लीजिए और वो लाइन आपकी प्रेशर के एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। मैंने पढ़ाया है कि जो आपके जिस एक्सिस पे ग्राफ परपेंडिकुलर होगा वही चीज कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट प्रेशर पे लॉ लगेगा चार्ल्स, और यहाँ पे आपके पास कितना वॉल्यूम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम हो जाएगा V1, और अगर टेम्परेचर T2 है तो यहाँ पे ग्राफ आपका जहां कट करेगा वहां पे वॉल्यूम हो जाएगा V2। We know that ये वाला वॉल्यूम कम है और ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, तो जो V2 ज्यादा है तो T2 भी ज्यादा होगा। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल ठीक है, क्या कि अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ बनाते हैं तो एक और कोई भी ग्राफ बना दे इस तरह का, मान लीजिएगा तो T3 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा, T3 ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। और बेटा अगला वाला एक क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिएगा आपको इस तरह का दिया जाता है, सपोज करिएगा इसको हटा देते हैं आंसर को, है अब आपको प्रेशर में और टेम्परेचर में वही आपका गेलुसेक लॉ का ग्राफ दिया है और दो अलग अलग गैसेस के वॉल्यूम दिए गए V1 V2। तो एक काम करते हैं, V1 V2 में रिलेशन पूछा गया है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं पीबी इक्वल टू म्यू आर टी, और PV इक्वल टू म्यू आर टी में P इक्वल टू म्यू आर अपॉन V इंटू टी कर लेते बेटा म्यू आर अपॉन, हाँ तो मेरा मतलब ये है कि ये क्या होता है कि मान लीजिए इसकी पावर 1 है, टेम्परेचर की पावर 1 है, तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, नो प्रॉब्लम। स्लोप जो होगा ये वाला जो स्लोप होगा, ये वाला जो स्लोप होगा, ये वाला V1 का ज्यादा है और V2 का कम है। इसका मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, और ये बात हम लोगों को यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई है। अगर बेटा हम यहां पे बनाते हैं, ठीक है आगे बढ़े,
सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरसेप्ट करके डायरेक्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। नहीं सर, जैसे इस पे है सर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे एक परपेंडिकुलर लाइन करते तो टेम्परेचर। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बात वही है, नो प्रॉब्लम, बात वही है बेटा, बात वही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज के बाद एक बात मेरी मान लीजिएगा कि कोई कोई भी ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिया जाए और स्लोप के रिलेटेड कोई बात पूछी जाए तो जरूर स्लोप पे पहुंचा करिए। ज्योमेट्री ज्योमेट्री तब करिए जब आपके पास कोई रास्ता ना मिले। आइडियल गैस को कैसे डिफाइन करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए मेरा नियम अलग है। जैसे मैं आपसे पूछूं बेटा आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, 99% बच्चा केवल एक ही बात बताएगा, पीवी इक्वल टू होता है सर एनआरटी, होता है। जबकि मेरा मतलब यह है कि थोड़ा सा बदल दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे बात बदल दीजिए। थोड़ा सा बात यहाँ पे बदल दीजिए। आप यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि पहले बॉयस लॉ को चार्ल्स लॉ को मिलाया और मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू कर दिया है t अपॉन t। और अगर मैं यहाँ पे हटाएंगे तो ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा, और जो r होता है ना इसको स्पेसिफिक कांस्टेंट कहा जाता है। और r की वैल्यू जो होती है बेटा, ये मेरे हिसाब से रखना, मान लीजिए r कैपिटल r रख देते हैं आप तो ये वन मोल के लिए होगा, अगर r आप म्यू r रख देते हैं तो ये म्यू मोल के लिए होगा, अगर आर के रख देते हैं तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए है, और अगर आप एन के रख देते हैं तो ये एन मॉलिक्यूल के लिए है। तो मतलब मेरे हिसाब से आप अपनी केवल यही पुरानी पद्धति पर ना चलिएगा, ओल्ड सिस्टम कि एनआरटी कर दिया आपने। भाई मैंने ये बात बताई है आपको कि यहाँ पे एन अलग होता है म्यू अलग होता है, बेटा एन अलग होता है और म्यू अलग होता है। मतलब मैं आपको एक बात ये सिखाना चाहता हूं, मैं आपको एक बात ये सिखाना चाहता हूं, सीधी सीधी बात मैं आपको एक बात ये सिखाना चाहता हूं कि आपके माइंड में एक बात ये चलती रहे कि जो आप यहां पे मॉलिकुलर थ्योरी, चलो यहां बताते, यहां बताते, एक होता है आपका एवोगैड्रो थ्योरी, एवोगैड्रो थ्योरी, और दूसरी होती है आपकी बेटा एवोगैड्रो थ्योरी को मोलर थ्योरी बोलते हैं, और दूसरी होती है बोल्ट्जमैन, और ये मॉलिकुलर थ्योरी होती है। ये दो सिस्टम थे उस जमाने में। एवोगैड्रो बात करते थे वन मोल, वन मॉलिक, वन मोल है ना, वो बात करते थे वन मोल की बात करते थे बेटा, वन मोल में इतने एटम्स होते हैं, वन मोल में ये होता है, वन मोल में वो होता है, पूरी पूरी मोलर वॉल्यूम, मोलर साहब सब कुछ निकाल डाला एनटीपी पे उन्होंने। यानी कि एक बात ये बताना चाहते थे एवोगैड्रो कि आर जो होता है ये मोलर में चलेगा, एन ए जो होता है ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल होते हैं, ये सारा एवोगैड्रो की थ्योरी है। और यहां पे कॉन्स्टेंट के आएगा, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके एन आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स म्यू ले लेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे पूरे सिस्टम अलग अलग चलते हैं। कभी भी आप अगर हमारी जानना चाहें कि भाई के की वैल्यू क्या होती है, तो के जो होता है ये होता है आर डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एन एन ए, मतलब 8.31 को हम अगर 6.02 और 10 की पावर 23 से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 1.38 और 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 20। और मैं आपको बताऊं कि हमेशा एक बात याद रख लीजिएगा, आर डिवाइडेड बाई एम, के डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। कभी भी आप मोलर थ्योरी से जब मॉलिकुलर थ्योरी में जाना चाहेंगे तो सभी फॉर्मूले को ऐसे बदल देना, मतलब R कहां पे होगा मोल वाले कॉन्सेप्ट में, और K कहां पे होगा मॉलिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में,
और आर जो होगा वो मोल वाले कॉन्सेप्ट में होगा। और बेटा के कहां पे होगा? के होगा आपका यस। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्या कि जब आप यहां पे निकालेंगे कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी आगे से फॉर्मूला निकालेंगे, उस आगे से फॉर्मूले में आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम जो होगा वो के अपॉन स्मॉल एम में अपने सारे फॉर्मूले एक मॉलिक्यूल के लिए कन्वर्ट कर, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। तो नीचे मान लीजिए मैंने आपको एक और ग्राफ का क्वेश्चन कराया, मान लीजिएगा ये क्वेश्चन कराया, अब इस क्वेश्चन में मैंने कराया तो आपकी, मैंने आपके जस्ट आपने अभी अभी बताया था उसी तरीके का मैंने परपेंडिकुलर लाइन बना के करा दिया। मैं इसको आइडियल गैस से, मैं स्लोप निकाल के भी करा सकता था, मतलब आइडियल गैस के स्लोप निकाल के भी करा सकता था, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो क्या बेटा सेकंड वाला ग्राफ, किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? All done. Done, sir. आगे बढ़ जाएं, बाय बाय टाइप कर दीजिए। हमारा भाई भाई बेटा YouTube पे भी फेमस हो गया, पता है? नहीं पता है? क्यों बच्चों? रैपिड फायर में सर, रैपिड फायर में फेमस हो गया है ना? यस सर। बच्चे जो हैं भाई भाई समझ जाते हैं। अच्छा और भी लोग कहते हैं तो वो भी समझ जाते हैं। yes, sir. सर हम लोग को भी इजी होता है, और भी हम लोग के साथ भी यही होता है, कोई और टीचर पूछते हैं तो हम लोग भी बस वाई वाई लिख देते हैं। वही तो कह रहा है, मिश्रा सर की कॉपी हो रही है। आइए कॉपी हो रही ना, चलिए yes, एक ये क्वेश्चन देखिएगा। कॉपीराइट क्लेम डाल दीजिए सर, कॉपीराइट का कॉपीराइट क्लेम कर दीजिए। बेटा कॉपी करने दो सबको, बच्चे लोग बता देते हैं ना सर, अच्छी चीजों की ही तो कॉपी होती है। हाँ अच्छी किताबें कई बार पढ़ी जाती है ना। आइए बेटा ये देखिए, भी जाती है सर, उसमें गलतियां भी बहुत ज्यादा निकाली जाती है, जब जाती है अच्छी हो जाती है तो लोग हाँ, निकालने लगते गलतियां इसमें कई। सही 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 सही। आइए बेटा आइए देखिए, ये वाला ग्राफ था, और इस ग्राफ में आपसे बोला जाता है कि मतलब उसी मेथड से मैंने किया है, चाहे स्लोप से कर सकते हो आप। देखो मैंने स्लोप से भी किया है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, और वी जो हमारा है वो हम लोग प्रेशर, स्लोप जो होता है वो प्रेशर के इनवर्स होता है। तो एक स्लोप का मेथड भी किया है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे गैलुसेक लॉ का मेथड भी किया है कि ये वाला टेम्परेचर कम और बेटा ये वाला टेम्परेचर ज्यादा, तो ये टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका प्रेशर भी ज्यादा। क्लियर बेटा बात? हाँ सही बात है बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलो बेटा ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको बस एक मिनट रुक जाइएगा, मैं आपके लिए कुछ इसमें ऑक्सीजन नहीं, लंग्स होना चाहिए, लंग्स होगा तभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो लंग्स ही नहीं काम करेगा तो ऑक्सीजन की जरूरत ही क्या मतलब है। हाँ यार सही कह रहा तुम, ठीक है सभी सारे घटक इम्पोर्टेंट हैं, ऑक्सीजन ही होना चाहिए सर, क्योंकि हर जगह लंग्स नहीं पाया जाता है। सही कह रहे हैं, क्या बात है। देखो इधर देखो बेटा, अब मैंने आपसे ये कहा है क्वेश्चन में, दिख रहा है स्क्रीन आ रही? अभी नहीं सर, नहीं सर। ये मैंने जानबूझ के हटाई थी ताकि आपको दिख ना पाए, ये देखिए। अब बताइए आप, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फॉर द गिवन मास ऑफ ए गैस
फॉर द गिवन मास ऑफ ए गैस, आइडियल गैस है ना, और एक प्रोसेस दिया गया है, एक प्रोसेस दिया गया है आइडियल गैस और एक प्रोसेस दिया गया है, हम वन से टू जाते हैं, वन से टू जाते हैं, जब हम लोग वन से टू जाते हैं, वन से टू जाते हैं तो आपको पता लगाना है कि वॉल्यूम के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज होगा, घट जाएगा। आपने कहा है कि वॉल्यूम घट जाएगा। सोच के विचार के आंसर देख लीजिए सारे बच्चे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, ये ग्राफ आपका प्रेशर और टेम्परेचर का है। मेन कौन कांस्टेंट रहेगा सर? कांस्टेंट आपने उत्कर्ष क्यों बता दिया कांस्टेंट रहेगा? क्या ये ओरिजिन से जा रहा था? स्लोप से देखेंगे सर, इन्वर्स हो जाएगा, वन अपॉन बी हो जाएगा पी बाई टी से। देखो देखो ऐसे ग्राफ को ऐसे करेंगे, ऐसे करें, आप लोग चैट पे डाला करो ताकि आपकी बिल्कुल एकदम पता चलता रहे कि किसका आंसर गलत हुआ। आदिल ने लिखा है, आदिल का याद रहेगा, उत्कर्ष ने बोल दिया। ये देखो हमने इसको मिलाया ओरिजिन से, हर ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाता है, हमने इसको ओरिजिन से जाता हुआ मिलाया। लड़कियां तो बोल ही नहीं रही, शांति छाई हुई है लड़कियों के खेमे में। डिक्रीज कह दिया है ना, तो जैसे ओरिजिन से जाएगा वैसे अब ये हमारा पहले पॉइंट पे ये हमारा स्लोप जो है, और एक से दो जाएंगे तो स्लोप हमारा घट रहा है, समझ रहे हैं? एक से दो जाने पे, वन पॉइंट से टू पॉइंट पे जाने पे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज कर रही है। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, पी वाई टी इक्वल टू वन बाई वी। हाँ, इसका मतलब हम अपने आइडियल गैस पे चले तो पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, पी इक्वल टू म्यू आर अपॉन वी, और ये हो गया स्लोप, और हमारी आइडियल गैस की वैल्यू होती है तो स्लोप की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आती है। और हम आराम से बेटा ये बात कह सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, एक भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए। और बेटा अगर बात करते हैं यहां पे, क्या हम बात करते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम, स्लोप अगर घट रहा है, स्लोप अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं हो सकता आंसर। हम वन पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो ज्यादा है, टू पॉइंट पे स्लोप देखेंगे तो कम है, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू हमारी थीटा वन से थीटा टू क्या हो रही है? कम हो रही है। और स्लोप अगर डिक्रीजिंग होगा तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा। बोलिए बेटा, समझ में आया? हो गया? आइए, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसी तरीके से हम अपना अगला क्वेश्चन अगर कहते हैं बेटा आपसे, सर आपकी घड़ी खराब हो गई है बेटा, पीछे जो घड़ी टंगी है सर खराब हो गई, घड़ी टंगी हुई है, 6:15 बज रहा है अभी सर, टाइम नहीं सर इसमें। अरे यार तो वो बनवा, तुम लोगों ने यार हमारा लेट फीस नहीं दिया ना असल में तुम लोगों ने, जो तुम लोग लेट हो जाते हो ना, एब्सेंट हो जाते हो, वो पैसा दिया नहीं सर, हम हो गए सर। चलो सही करवाते हैं जाएगी सर, सब लोग अपना लेट पेमेंट कर दें आओ बेटा जल्दी से आ जाओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके का है, इसमें बेटा हमारे पास देखो
बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन प्रेशर के दिए गए, प्रेशर के बारे में पूछा गया है, वहां पे वॉल्यूम के बारे में पूछा गया था। चलो यहां से मिलाएंगे स्लोप, बताओ स्लोप की वैल्यू क्या हो रही, घट रही बढ़ रही है? स्लोप डिक्रीज करेगा डिक्रीज, तो फिर वॉल्यूम क्या करेगा, तो फिर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज। हाँ उल्टा हो जाएगा भाई, अब नहीं गलत होना चाहिए, अब इंक्रीज करेगा। देखो स्लोप हमारा यहाँ पे था वन पे, और यहाँ पे स्लोप कम हो गया, और हमारे पास आइडियल गैस से हमारे पास स्लोप की वैल्यू आती है म्यू आर अपॉन पी, और म्यू आर अपॉन पी आती है स्लोप हमारा प्रेशर के इनवर्सली आता है, और वन से टू जाने पे स्लोप की वैल्यू घटेगी लेकिन प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। बहुत अच्छे सवाल थे, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ना आए। बेटा डन हो गया ना? यस सर। अच्छा आइए, इनमें से कौन सा ग्राफ सही है? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, क्योंकि सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आंसर आ जाएगा फटाफट। गुड बेटा, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस। बिल्कुल मैंने समझा भी दिया था, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, और बहुत ही अच्छा। अब आइए एक आखिरी सवाल आपका, केल्विन में होता तो, केल्विन में होता तो फिर बेटा, केल्विन में होता तो ओरिजिन से जाता आपका ग्राफ, ओरिजिन से जाएगा सर फिर। अभी मैंने बताया भी तो था, आ रहा है? आइए इतनी देर में हम अगले वाले सवाल का हिंट गायब कर दे रहे हैं। आइए बेटा नेक्स्ट वाला सवाल आपके सामने आ गया है, और इस सवाल में देखिएगा कि हमारा कोई भी क्वेश्चन में कह रहा है कि पीटी पी और वी में ग्राफ बना हुआ है, वेरिएशन शो किया गया है, व्हेन द गैस अंडरगोस फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी फॉर द गिवन मास ऑफ ए गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हिच इज करेक्ट। सर कांस्टेंट होगा टेम्परेचर, रिप्लाई चैट में डाल दीजिए, पहले डिक्रीज के फिर इंक्रीज करेगा। अरे चैट में डालिए, ऑप्शन डालिए अपने, हम ऑप्शन देखते जाते हैं, मेरी नजर बड़ी तेज है, दूर तक दिखता है हमको। बेटा मालूम चश्मा टेस्ट कराने गए थे, दूर तक दिखता है पता है आपको? वाओ वाह 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 वाह, गुड। अधिकतर जनसंख्या तीसरे पे आ गई है, रजत वाला, रजत का डी वाला आ गया है। ग्रेट, चलो मैं बता देता हूं। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेरी राय मानिए, यहां पे पहला पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, और बीच में कोई पॉइंट एक ले लेते हैं सी, ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, टेम्परेचर तो सेम ही होगा। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले और आखिरी पॉइंट को मिला के अगर बनाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा मान लो टी वन, और दूसरा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाए तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा बेटा आपके पास
T2, पहले का और दूसरे का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएं तो टेम्परेचर हो जाएगा T1 और T2। बच्चों एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आप समझ गए होंगे कि T1 से T2 बड़ा है, नो प्रॉब्लम। अभी सिखाया टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ गया, तो पहले हमारी जर्नी जो है ना A से शुरू होती है और फिर हम C पे जाते हैं पहले, और फिर हम लोग बेटा C से जाते हैं वापस B पे जाते हैं। तो देखो पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर T1 से T2 जा रहे हैं, पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है और फिर वापस आ रहे हैं, तो T2 से वापस हम T1 पे आ रहे हैं, टेम्परेचर घट रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? फर्स्ट हीटेड देन कूल्ड, ये हमारा इसका बेस्ट आंसर है। हो गया सर? इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि वो परपेंडिकुलर बना दे बेटा, अभी देख ले पहले ओरिजिन से सर, वो परपेंडिकुलर लाइन डाल करके ज्योमेट्री से जो करते हैं उसमें एक चीज गड़बड़, एक चीज तो समझ में आ जाती है लेकिन बीच में नहीं समझ में आता है। जैसे कोई अगर पूछ ले कि ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, बी पे कितना है, तो समझ में आ जाता है ना। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन को लेकर आपके दिमाग में थीम नजर आ रही है, तो ऊपर वाले में ये बताया जाता है ना कि ए पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रेशर क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है। लेकिन हमारे पास पीवी ग्राफ जो दिया जाता है, पीवी ग्राफ में हमारे पास टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं दिया जाता है। टेम्परेचर का आइडिया तो हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाएंगे तभी मिलेगा, और हमको पता है पीवी ग्राफ में जब तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलता रहेगा, सेम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे रहेंगे तभी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, अदरवाइज हम टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं सकते। मान लो आप आइडियल गैस से गए बेटा, अभिया सुन रही हो? अभिया बच्चों ने अभिया की बात सुनी कि नहीं सुनी? Yes, sir. अरे और बच्चों ने अभिया की बात सुनी कि नहीं? Yes, sir. मान लो हम लोग, हाँ मान लो हम लोग एक काम कर रहे हैं बेटा कि हम लोग पीवी इक्वल टू म्यू आर टी में चल रहे हैं, मान लीजिए म्यू आर टी में चल रहे हैं, तो पहली बात तो इस ग्राफ को ही डिफाइन नहीं कर पाओगे। पी और वी में जो ग्राफ बना है, अगर आपने इसको स्लोप की तरह गए तो आप स्लोप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे। आप ये देखो भी नीचे आ गया, यू कैन नेवर फाइंड स्लोप, तो नहीं हो सकता बेटा। तो ग्राफ की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिट है। ओके बेटा अभिया? यस सर। चलो अब बेटा ये हमारे ग्राफिकल क्वेश्चंस हो गए, तो हम आपको एक पीडीएफ अभी तुरंत डाल रहे हैं, देखो आपके ग्रुप में आई कि नहीं आई। सॉरी सर मैं आपकी क्लास आज नहीं कर पाया, मैंने नोट्स ले लिए हैं नेक्स्ट टाइम। अरे बच्चे देखो सॉरी डालते हैं भाई साहब। आ जाए अगर आपका आ जाए, एसआरबी ऑनलाइन एंड रैंकर ऑनलाइन। देखो बेटा आ गया? यस सर आ गया। एक तो हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की शीट दे दी है, और दूसरा हमने आपको बेटा थ्योरी ऑफ सर उसमें क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया 20 सवाल दे दिए। मतलब मैं ये कोशिश करूंगा जितना पढ़ाऊं उतने तक मैं आपको डेली कुछ ना कुछ दे दूं। यस सर ये सही है, है ना, ताकि आपको लगे। और 135 में क्लास, भाई 246 में क्लास आपकी बिल्कुल निश्चित है। मतलब आज क्या है, 135 है 246 है? आज 246 है ना बेटा? 246 आपकी क्लास बिल्कुल निश्चित है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मतलब क्लास ना हो तो आप बिल्कुल एकदम चढ़ बैठिए।
ठीक है, आप लड़ाई करेंगे तो आपका हक मिलेगा। कल 5 बच्चों ने मैसेज किया था, तो क्लास नहीं लेंगे सर, घर चले आएंगे आपके। ये बात, ये अच्छी बात है। बाकी लोग क्या करेंगे सर, तो सही है घर चले। सर वो फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली। अरे भाई कौन सी फाइल, फर्स्ट वाली नहीं डाउनलोड हो रही है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन वाली सीट, क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन वाली सीट नहीं हो रही है सर, अनएबल टू डाउनलोड। सर उसको रीसेंड कर दीजिएगा। ऋषभ? यस सर। डाउनलोड नहीं हुआ? नहीं सर। ये सब जायसवाल ने? हाँ सर। कौन सा वाला नहीं हुआ? पहला एक होगा क्या सर? पहला वाला जो ग्राफ क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन वाला नहीं हुआ। क्वेश्चन वाला हो गया है? नहीं सर। अच्छा क्वेश्चन वाला नहीं हुआ सर, उसको रिसेंड कर दीजिए। तो हम उसको रिसेंड करें क्या? यस सर। अच्छा नहीं, ये डाउनलोड क्यों नहीं होता, क्या रीजन आ जाता है? रीजन तुम्हें भी नहीं पता, फॉन्ट अलग अलग हो जाते हैं क्या? कोडिंग का शायद कुछ चक्कर है। सर कई जगह से पीडीएफ लिया गया होगा तो वायरस अटैक हो गया होगा, फिर जो आप दोबारा सेंड करेंगे तो शायद हो जाए, हो जाएगा ना सर? आपको जिसने फॉरवर्ड किया होगा वो शायद वहां से डिलीट हो पाए, काफी टाइम हो गया। आप देखो जरा, आप देखो जरा एसआरबी ऑनलाइन पहले देख लो। हो गई सर डाउनलोड, हो गया सर, हो गया सर, डन सर। रैंकर में भी भेज दीजिए। रैंकर में नहीं भेजेंगे बेटा, पैसे पड़ेंगे। ऐसे ही भेजने पड़ेंगे बेटा, रैंकर नहीं बनेंगे। चलो बेटा ठीक है, ये रैंकर में देखो चला गया बेटा। बच्चों इसको लगा के बैठिएगा नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सर, गुड नाइट। है ना बेटा बच्चों? और एक काम करिएगा, सुनो एक काम करिएगा कि हम आपको क्या शुरू करेंगे, देखो ये शुरू करेंगे बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, मतलब हम माइक्रोस्कोपिक बजाएंगे, माइक्रोस्कोपिक समझ रहे हैं, पीवीटी। हाँ मतलब हम आपको उस पे जाएंगे बेटा, आइए बेटा। ओके बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों। अच्छा गुड नाइट सर। वो तुम्हें बता रहा, हम बेटा भेज रहे हैं लेकिन वो बता रहा फेल हो रहा है डाउनलोडिंग, मतलब कैन नॉट बी सेंड बिकॉज रैंकर बैचेस में पैसे नहीं मिले। गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सर। आ गया देखो, बाय बेटा। अरे आ जा तभी जाना बेटा, रूही दोबारा से एसआरबी भेज दिया। अरे राम नहीं सब परेशान करने के लिए हैं हम लोग। अच्छा हैं अभी एसआरबी पे प्यार इतना उमड़ रहा है, देखो दोबारा दोबारा बैठ। और बताइए बच्चों, आ गया सर, आ गया, आ गया सर। चलो बर्फी खिलाओ बेटा, मिठाई नहीं खिलाओगे? ठीक है सर, आने दीजिए कानपुर। हाँ गुड बेटा, तो पहले हमको एक बार फिर से बताइए वो वाला क्वेश्चन कभी है, कौन सा बेटा? हाइपरबोला वाला सर। ये हाइपरबोला वाला है, अब इसमें आप ए पॉइंट और बी पॉइंट पे हाइपरबोला बनाइए और बी जर्नी के कोई भी बीच में कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप। तो जर्नी के बीच में एक पॉइंट लेने का पर्पस केवल एक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में जर्नी में कोई आपका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो बीच में हम जर्नी के एक पॉइंट में बीच में यहाँ पे ले लेते हैं एक पॉइंट, और जब बीच में ले लेते हैं तो एक यहाँ पे बनता है हाइपरबोला और एक यहाँ पे बनता है हाइपरबोला। तो हम अलग अलग ऐसा हम और भी बना सकते हैं, एक ही नहीं बना सकते। यस सर, और भी बना सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां से यहां जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हाइपरबोला बदल गया।
नीचे वाले हाइपरबोला का टेम्परेचर कम होता है, ऊपर वाले का ज्यादा होता है, ये तो पता है ना बेटा? यस सर। और फिर हम सी से वापस जाएंगे तो फिर नीचे चले जाएंगे, उसका मतलब जर्नी हमारी कहां से कहां पे होती है, पहले ए से सी पे होती है और सी से फिर बी पे होती है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अच्छा सर, ऐसे किया कि ए से सी पे आने पे ऊपर वाला हाइपरबोला, इसका मतलब टेम्परेचर